जाको राखे साइया मार सके न कोई, यह कहावत आज रायसेन में सच हो गई। जन्म के कुछ घंटे बाद ही नवजात बच्ची को कड़कती ठंड में कोई खेत में फेंक गया। बच्ची गेहूं के खेत में पानी के बीच पड़ी थी। सुबह खेत पहुंचे सरपंच ने बच्ची को पड़ा देख डायल 100 को सूचना दी। ठंड से कांप रही बच्ची की जान बचाने के लिए डायल 100 के ड्राइवर ने 9 मिनट में 15 किलोमीटर का सफर तय कर रायसेन जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर का कहना है कि 8 से 18 घंटे पहले बच्ची का जन्म हुआ है। दरअसल यह मामला रायसेन थाना कोतवाली के निहालपुर गांव का है। रबी सीजन होने के चलते इन दिनों खेत में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का काम जारी है। गांव के सरपंच राम कुमार यादव के खेत पर भी सिंचाई की जा रही है। वे सुबह खेत पहुंचे जो देखा कि एक शिशु खेत में पड़ा है। उसे जहां फेंका गया था वहीं साग काफी गीला था। बच्ची का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना डायल 100 को दी, साथ ही बच्ची को उठाकर अपने गमछे से लपेट लिया। सूचना मिलते ही कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव, पायलट रोहित ठाकुर और कपिल सक्सेना खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्ची की हालत बहुत खराब है। उसकी सांसें चलती देख उसे एक और गर्म कपड़े से लपेटा और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गए। पायलट रोहित ठाकुर ने स्टीयरिंग संभाली और तेजी से रायसेन जिला अस्पताल पहुंचे। रोहित ने 9 मिनट में 15 किलोमीटर का सफर तय किया। बच्ची को यहां ऑब्जर्वेशन में लिया गया है। कड़कती ठंड और पानी में पड़े होने से उसे हाइपोथर्मिया हो गया है। इस कारण डॉक्टरों ने गर्म भाप देना शुरू किया। हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव ने बताया कि बच्ची के खेत में पड़े होने की सूचना डायल 100 को सुबह 7 बजे मिली थी। हमने बिना देर किए निहालपुर गांव पहुंचे। 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता होने से गाड़ी तेजी से चलाने में दिक्कत हो रही थी। हम जैसे तैसे मौके पर पहुंचे। बच्ची खेत में पानी और घास के बीच मिली थी। उसके शरीर पर खून लगा था। ऐसा लग रहा था कि बच्ची का जन्म 5 से 6 घंटे के बीच हुआ होगा। जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिल ओढ़ ने बताया कि नवजात बच्ची को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है। जन्म के कुछ देर बाद ही बच्ची को गीली जगह पर फेंक दिया गया था। इस कारण उसे हाइपोथर्मिया बीमारी हो गई। उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अस्पताल में पहुंचते ही उसका इलाज शुरू किया गया। सबसे पहले उसे भाप देना शुरू किया। नर्स ने नली के माध्यम से उसे सांसें दी। ऐसा कर बच्ची की जान बचाई गई। अब उसकी हालत में सुधार है। उसे जिला अस्पताल के SNCU में रखा गया है। रायसेन थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू का कहना है कि सुबह थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले निहालपुर में सरपंच ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची कब से खेत में पड़ी थी और किसने घटना को अंजाम दिया है? पुलिस ने कहा आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कपड़े कुछ भी नहीं थे, वो खेत में पड़ी थी। खेत में काफी नमी थी, गीली जमीन थी, झाड़ियों के पास पड़ी मिली। हम खराब हालत में आई थी और अभी अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद मेरे ख्याल बचाना मुश्किल हो जाता। अब जो है उसे काफी इम्प्रूव कर गई है। बच्ची जो है रोना भी शुरू कर दिया है और उसे काफी गर्माहट दी है। तो अभी कैंडिडेट हमारा ठीक।